आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। प्राइम टाइम में आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सेक्रेटेरिएट और इर्रम मंजिल की इमारतों के इन्हदाम पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। कर्नाटका में कांग्रेस जेडीएस हुकूमत बुहरान का शिकार, सभी वुजरा ने दिया कैबिनेट से इस्तीफा। आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलतें मुहैया कराने हुकूमत का वादा, हज हाउस में आला सतही इजलास में लिया गया तैयारियों का जायजा। राहुल गांधी के खिलाफ मुतनाजिया बयान पर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ हैदराबाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मंगल के रोज होगा टीम इंडिया का न्यूजीलैंड से मुकाबला, टीम इंडिया का पलड़ा भारी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो अदालत के आइंदा अहकाम तक सेक्रेटेरिएट और इर्रम मंजिल की इमारत को मुनहदिम ना करे। हाईकोर्ट में सेक्रेटेरिएट और इर्रम मंजिल की इमारतों को मुनहदिम कर देने से मुतालिक रियासती हुकूमत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्तों की समाअत हुई। समाअत के दौरान रियासती हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 15 दिन की मोहलत देने की दरख्वास्त की, जिस पर अदालत ने इतनी बड़ी मोहलत देने से इनकार करते हुए आज दोपहर ही हुकूमत के मौकफ को अदालत से वाकिफ करवाने की हिदायत देते हुए कार्रवाई को दोपहर 2:15 तक मुलतवी कर दिया। दोबारा जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि अदालती अहकाम से हुकूमत की तवज्जो दहानी कराते हुए जल्द से जल्द जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने कहा कि इस मुकदमे के खतई फैसले तक सेक्रेटेरिएट और इर्रम मंजिल की इमारतों को मुनहदम ना किया जाए। इसी दौरान दरख्वास्त गुजार समाजी कारकुन पी मल्लैया के वकील ने अदालत से कहा कि आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के मुताबिक हैदराबाद मुश्तरका दारुल हुकूमत है, यहाँ सरकारी तामीरात पर गवर्नर का इख्तियार होता है। दरख्वास्त गुजार ने बताया कि तंजीम जदीद के कानून सेक्शन 8(3)(2) के मुताबिक इमारतों की तामीर और लॉ एंड ऑर्डर का इख्तियार मुश्तरका दारुल हुकूमत में गवर्नर के इख्तियार में होता है। इसी तरह तारीखी अहमियत के हामिल इमारतों के 100 साल गुजर जाने के बाद उसे मुनहदिम नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार के इस्तदलाल पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आया 100 साल पुरानी इमारतों को कौमी विरासत के तौर पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तस्लीम किया है या डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी ने तस्लीम किया है, आया इर्रम मंजिल की इमारत को कौमी विरासत की हामिल करार दिया गया है या नहीं। दरख्वास्त गुजार ने जवाब दिया कि इसका उन्हें इल्म नहीं है, वो बहुत जल्द तमाम तफसीलात अदालत में पेश करेंगे। इस केस में निज़ाम नवाब के वारिसों ने भी हाई कोर्ट में लंच मोशन पिटीशन दाखिल किया, जिसमें अदालत से कहा गया था कि इर्रम मंजिल में निज़ाम के वारिसों की 12 एकड़ अराजी है, इसका मुआवजा अदा किया जाए। उन्होंने बताया कि 1951 से ये मुकदमा चल रहा है, इस मुकदमे के फैसले से कबल इर्रम मंजिल को मुनहदिम करते हुए यहाँ किस तरह असम्बली की इमारत तामीर की जा सकती है। अदालत ने दोनों फरीकैन के मौक़ को जानने के बाद इस मुकदमे की समाअत चारशुबे तक मुलतवी कर दी। दूसरी तरफ सेक्रेटेरिएट की मुंतकली की सरगर्मियों का आगाज हो गया है। मुख्तलिफ महकमजात में सामान को मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जीएडी को बीआर के भवन मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट को एक ही जगह पर मुंतकिल करने के मुतालबे पर हुकूमत गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक बीआर के भवन की 8वीं और 9वीं मंजिल पर वज़ीर आला का दफ्तर चीफ सेक्रेटरी की पेशी होगी। महकमे जंगलात को RN भवन मुंतकिल किया जाएगा। इमारत शोया ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स और इरीगेशन डिपार्टमेंट को इर्रम मंजिल ECN भवन से जल्दशुदा मुंतकिल किया जाएगा। इसके अलावा दीगर महकमजात को आदर्श नगर MLA क्वार्टर्स में मुंतकिल करने का इम्कान है। आर्जी तौर पर 15 क्वार्टर्स को महकमजात के कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद की एक माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में समेत गजा से 33 तुलबा मुतासिर हो गए, जिन्हें नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक विजयनगर कॉलोनी में वाक़ माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में समेत गजा से चंद बच्चों ने खय कर ली और बाज़ बच्चों ने पेट में दर्द की शिकायत की, जिस पर इन बच्चों को नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया और उनका इलाज किया जा रहा है।
तेलंगाना समेत चार रियासतों के आज़मीन हज की रवानगी का सिलसिला 28 जुलाई को शुरू होगा। इस सिलसिले में आज एक आला सतही इजलास में तैयारियों का जायजा लिया गया। वेलफेयर मिनिस्टर कोपुला ईश्वर, होम मिनिस्टर महमूद अली, हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्ला खान और दीगर आला अफसरान ने इस जायजा इजलास में शिरकत की। हालांकि 28 जुलाई से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के आज़मीन की रवानगी का आगाज होगा, लेकिन 18 जुलाई को कर्नाटका और महाराष्ट्र के 460 आज़मीन पर मुश्तमिल पहला काफिला हज हाउस से मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होगा। हमारे ऑनरेबल माननीय वेलफेयर मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब की सदारत में एक रिव्यू मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्ला खान साहब, मकबूल चेयरमैन सलीम साहब और सीएम साहब के एडवाइजर ए के खान साहब, शफीउल्ला साहब और दीगर अहदेदार यहाँ मौजूद थे। रिव्यू मीटिंग में क्योंकि हर साल की तरह इस साल भी हाजी हजरात हज को जाते हैं, तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरत है और जहाँ लास्ट ईयर थोड़ी बहुत तकलीफ हुई उसको रेटिफाई करते हैं, अच्छे से अच्छे इंतजाम करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे आनेबुल सीएम साहब ने खास तौर से हज को जाने वाले जो हाजी हजरात होते हैं, वो अल्लाह के मेहमान होते हैं, उनके अच्छे से अच्छे इंतजाम करने की हमेशा हिदायत देते हैं और वो खास तौर से जितना भी पैसा खर्च हो वो हमेशा कहते हैं उसकी फिक्र नहीं है, पर हाजी हजरात को अच्छे से अच्छा इंतजाम करना चाहिए। और सारे हिंदुस्तान में अगर किसी स्टेट में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट है। और यहाँ पर हमारे हाजी हजरात इस मरतबा काफ़ी तादाद में इजाफा हुआ कोटा है, तकरीबन आंध्र और कर्नाटक और तेलंगाना के मिलाकर तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हाजी जा रहे हैं यहाँ पर। और उनके लिए खासतौर से हज हाउस से जो यहाँ से जाते हैं उनके लिए अच्छे इंतजाम किया जाए। और 18 तारीख को एक फ्लाइट जा रही है जो सीधा यहाँ पर हज कमेटी के हज हाउस से बच जाए, वो सीधा एयरपोर्ट से जाएंगे और वो मदीना शरीफ जाएंगे। उसके लिए उन्हें बाज़ाबता जो भी उनका नंबर आया, जो लोग जा रहे हैं उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सीधा वो हजरत वहाँ पर आ जाए एयरपोर्ट पर, वहाँ यहाँ से हजरत पर तशरीफ लाएँ, यहाँ से जो है उन्हें भिजाया जाएगा। और उसके बाद जितने हाजी जा रहे हैं, रोज़ाना 3-3 फ्लाइट है, काफ़ी तादाद में हाजी जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छे से इंतजाम करने के लिए तमाम जितने तकरीबन 21 डिपार्टमेंट के अहदेदार आए थे सबको हिदायत दी गई। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है इस मरतबा भी हाजियों की बहुत अच्छी खिदमत करते हैं, जितनी सहूलत हो सके हुकूमत की तरफ से पहुँचाई जाएगी। थैंक यू। बारिश के लिए जो है हज हाउस के अंदर वाटर प्रूफ शेड डाला गया है और हाजी बसेज भी जो है अच्छे एसी बसेज लिए, ताकि वो बारिश वारिश में भी, क्योंकि ऑर्डिनरी बसेज के अंदर बाज़ुकात पानी वानी पड़ा तो अंदर लीकेज हो सकता है, इसलिए आरटीसी डिपार्टमेंट से अच्छे बसेज ले रहे हैं। और जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है, बारिश जैसा भी रहेगी तो उसके तहत इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा बहुत अच्छे इंतजाम होंगे बारिश के बारे में, और बारिश के लिए प्रिकॉशन पूरा लिया जा रहा है। 18 जुलाई को जो फ्लाइट जा रही है उसके कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उसमें, इंशाल्लाह वो यहाँ आने के बाद यहाँ से उन्हें सीधा हज हाउस भेजा जाए, वहाँ एयरपोर्ट भेजा दिया जाए और वो डायरेक्ट मदीना शरीफ जा रहे हैं। जी इंशाल्लाह, देखिए मसरूफियत की बिना भी इंशाल्लाह हुआ तो ज़रूर इस मरतबा भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आने के लिए, अगर वक्त रहा तो ज़रूर आएंगे, कोई भी फ्लाइट पर आएंगे, पहली नहीं तो दूसरी। तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा कि बल्दी इंतखाबात से 15 दिन कबल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इंतखाबात में 50 लाख वोटर्स हिस्सा लेंगे, शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे, हर वार्ड में कितने वोटर्स हैं इसके मालूमात के बाद ही पोलिंग मराकज़ के मुताबिक वोटर्स का ऐलान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर के ज़रिए ही इंतखाबात होंगे। 14 जुलाई को कतई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी, 11 तारीख को अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़द किया जाएगा, 13 जुलाई को पोलिंग मराकज़ पर म्यूनसिपल कमिश्नर के साथ इजलास मुनक़द होगा, 14 जुलाई को महफूज निश्चितों का ऐलान किया जाएगा, इसके बाद शेड्यूल जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुसलमान सियासी जमातों को उनकी पार्टी का निशान दिया जाएगा, दीगर पार्टियों को आम निशान दिया जाएगा। इंतखाबात में म्यूनसिपल के लिए 2 लाख रुपए और कॉरपोरेशन में 3 लाख रुपए इंतखाबी खर्च रखने की तजवीज रखी गई है, इस पर कतई फैसला होना बाकी है। अपोजिशन जमातों ने कहा कि म्यूनसिपल इंतखाबात में हुकूमत जल्दबाजी से काम ले रही है, नई हदबंदी और तहफ़ुज़ात को खतियत देने के बाद इंतखाबात के लिए कम से कम 1 माह का वक्त दिया जाना चाहिए। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी की सदारत में कुल जमाती इजलास मुनक़द हुआ। इजलास में TRS, कांग्रेस, तेलुगुदेशम, BJP, CPI, CPM के अलावा दीगर जमातों के कायदीन ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर कायदीन शशिधर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अदालत को
इंतखाबात के लिए 119 दिन देने की बात करती है, तो दूसरी तरफ इंतखाबात जल्दी करवाने का फैसला किया जाता है। मध्य प्रदेश में इंतखाबात के लिए 6 माह का वक्त दिया जाता है, कम से कम 1 माह का वक्त तो तेलंगाना में दिया जाना चाहिए। तेलुगु देशम के सीनियर कायद राजशेखर रेड्डी ने कहा कि हमको उम्मीद नहीं है कि हुकूमत हमारे मुतालबा कबूल करेगी। उन्होंने कहा कि इंतखाबात ताखिर से करवाने की अपनी गलती को हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर थोप रही है। बीजेपी के लीडर मल्ला रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात के वक्त को बहुत कम किया गया है, वोटर लिस्ट के लिए कम से कम 1 हफ्ते का वक्त दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अखराजात में इजाफे की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इंतखाबात को शफाफ और मुनसिफाना तरीके से कराने का मुतालबा किया। CPI के लीडर पी वेंकट रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात करवाने का फैसला किया गया है तो फिर कुल जमाती इजलास क्यों तलब किया गया है, वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल से पहले ही वक्त ख़त्म हो जाएगा, कम से कम 1 माह का वक्त दिया जाना चाहिए। वहीं TRS पार्टी के लीडर गट्टू रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन जमातों के कायदीन टेक्निकल नखाइस निकालने के बजाय इंतखाबात का सामना करें। उन्होंने कहा कि इंतखाबात जल्द करवाने के लिए अदालत जाने वाले अब इंतखाबात ताखिर से करवाने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के अखराजात में इजाफा ना किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी ने BJP कायद व रुकन राज्यसभा सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से सदर कांग्रेस राहुल गांधी पर ड्रग्स इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम के खिलाफ गांधी भवन के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और सुब्रमण्यम स्वामी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कुल हिंद कांग्रेस के तर्जुमान दासजू श्रावण ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी को ड्रग्स के आदि करार देते हुए कांग्रेस और BJP कारकुनों को मुश्तैल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंतबाह दिया कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे हजारों अफराद भी राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह के ओछे रिमार्क्स करते हैं तो आज कांग्रेस पार्टी BJP के खिलाफ नजरियाती जंग लड़ने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत BJP मुल्क भर में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। कभी किसी इदारों पर हमले किए जाते हैं तो कभी शख्सियतों और पार्टियों को निशाना बनाते हुए अवाम के दरमियान तफरखा पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि इससे सियासी मफाद हासिल किया जा सके। श्रावण ने कहा कि BJP की इस ओछी हरकत से कांग्रेस खामोश बैठने वाली नहीं है। तर्जुमान कांग्रेस ने ताजुब का इजहार किया कि कांग्रेस के ईमानदार और इंतहाई दयानतदार और मुखलिस कायद राहुल गांधी पर शिकंडी का किरदार अदा करने वाले सुब्रमण्यम स्वामी की जानिब से ड्रग्स के आदि करार दिए जाने के बाद भी BJP ने अब तक सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर इस तरह के ओछे रिमार्क्स करना सूरज पर थूकने के मुतरादिफ है। श्रावण ने कहा कि सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ एबिड्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उन्होंने तेलंगाना पुलिस से दरख्वास्त की है कि अवाम के दरमियान तफरखा पैदा करने और माहौल को कुशीदा बनाने की कोशिश के इल्ज़ाम में सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर मल्लू रवि, यूथ कांग्रेस के सदर अनिल कुमार यादव भी मौजूद थे। तर्वात सोनिया गांधी गारी पट्ला इष्टम वच्चिनट्लु मात्लाडुतुन्नटुवंटि सुब्रमण्य स्वामी वैखरिनी कांग्रेस पार्टी पक्षान मेमु खंडिस्ता उन्नाम। इवाळ चिल्लरतनानिकि पराकाष्ठगा राहुल गांधी गारिनि एन्निकल समयंलो 3 पास्पोर्ट्लु उन्नायि, आयन ए देशानिकि संबंधिंचिन वाडु अनि चेप्पि ओक चिल्लर आर्ग्युमेंट पट्टुकोच्चाडु। తర్వాత మొన్న ఈ 3-4 రోజుల కింద రాహుల్ గాంధీ గారు కోకేన్ తీసుకుంటాడు నేను చూసినా నాకు తెలుసు అని చెప్పని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు మాట్లాడినారు. ఆ మాట్లాడినటువంటి ఒక వైఖరి రాహుల్ గాంధీ గారి యొక్క పేరు ప్రతిష్టలకు భగ్నం కలిగించడమే కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలందరి యొక్క మనోభావాలను కూడా భగ్నపరిచినటువంటి ఒక విషయాన్ని గుర్తిస్తూ, అదేవిధంగా ఇవాళ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి మాట్లాడినటువంటి వ్యాఖ్యల వల్ల భారతీయ జనతా పార్టీ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు రోడ్ల మీద బాహాబాహి కొట్టుకునేటువంటి ఒక పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నటువంటి ఒక ధర్మిల ఈ రకంగా ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రేలాపనలు చేస్తున్నటువంటి ఒక సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పైన క్రిమినల్ కేసులు పెట్టాలా అని చెప్పని ఇవాళ ఆబిడ్స్ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇవాళ మేము కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయటం అయింది. ఆయన పైన ఒక FIR దర్జ్ చేసి ఒక క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్ ప్రకారంగా అతన్ని అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పని మేము కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయటం అయింది. రెండవది, భారతీయ జనతా పార్టీ పేరు మాట మాట్లాడితే మేము నీతి నిజాయితీ కలిగినట్టు ఒక పార్టీ అని చెప్పని, నీతి కలిగిన రాజకీయాలు ఉండాలని చెప్పని మాట్లాడేటట్టు ఒక పార్టీ, ఇవాళ శిఖండి పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతూ రాహుల్ గాంధీ గారిని సోనియా గాంధీ గారిని కించపరుస్తున్నటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల మనోభావాలను గాయపరుస్తున్నటువంటి ఒక సుబ్రహ్మణ్య స్వామిపై ఏం చర్యలు తీసుకుంటారు అని చెప్పని ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీని మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. ఒకవేళ
నరేంద్ర మోడీ గారికి గాని భారతీయ జనతా పార్టీ గాని ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధున్నా ఇటువంటి చిల్లర కామెంట్స్ కు మేము బాధ్యులము కాము అని చెప్పిన నమ్మకం ఉన్నట్లయితే వెంటనే సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని పార్టీ నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పని కోరుతూ తెలంగాణ పోలీసులను కూడా ఈ యొక్క దుర్మార్గమైనటువంటి వ్యాఖ్యల వల్ల తెలంగాణలో కూడా శాంతి భద్రతల సమస్య ఏర్పడేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి పైన ఎఫ్ఐఆర్ ను దర్జీ చేసి కేసు పెట్టి అతనిపై క్రిమినల్ ప్రొసీడింగ్స్ ను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలని చెప్పని కోరుతాను. टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने आज टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का जायजा लिया. इस मौके पर तारक रामाराव ने पार्टी के सीनियर कायदीन अरकान पार्लियामेंट अरकान मुखन्नना और हर असेंबली हलके में पार्टी की जानिब से मुकर्रर करदा इंचार्जेस को कई मशवरे दिए. कारगुजार सदर टीआरएस ने कहा कि अनकरीब बल्दी इंतखाबात मुनक़िद होने वाले हैं जिसके पेश नज़र बल्दी हलकों में पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए. शहरी इलाकों में तालीम याफ्ता तबका पेशावर अफराद को भी पार्टी की रुकनियत देने पर तवज्जो दें. शहरी इलाकों में नौजवान और तालीमी याफ्ता तबका रजाकाराना तौर पर टीआरएस की रुकनियत हासिल करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. इस सिलसिले में इनके लिए खुसूसी काउंटर कायम करते हुए पार्टी कारकुन बनाएं. इसके अलावा ऑनलाइन तरीक़ेकार पर भी पार्टी की रुकनियत साजी की मुहिम को आगे ले जाया जाए. उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को रुकनियत देने का निशाना मुकर्रर करें. इसके लिए मकामी अरकान असम्बली अरकान पार्लियामेंट और सीनियर कायदीन के साथ तालमेल से काम करें. मकामी केबल टीवी के अलावा सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए रुकनियत साजी मुहिम की तशहीर करने का भी मशवरा दिया. तारक रामाराव ने इन तमाम ज़िले के इंचार्जेस से टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए रुकनियत साजी का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि घर घर रुकनियत साजी प्रोग्राम को भी अंजाम दें. ख़ास तौर पर दही इलाकों में ज़रूरी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं. इसके पेश नज़र सुबह और शाम की औकात रुकनियत साजी प्रोग्राम को अंजाम दिया जाए. उन्होंने पार्टी के महाजी तंजीमों को भी इस मुहिम में मुतहरिक हो जाने का मशवरा दिया. बीडी वर्कर्स तामीराती मजदूर यूनियन ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जैसी दीगर पार्टियों के महाजी तंजीमों के जरिए भी रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाएं. इस मौके पर तारक रामाराव ने ग्राम पंचायत मंडल और ज़िला सतह पर अंजाम दी गई रुकने साजी की तफसीलात हासिल की और इन तमाम तफसीलात को डिजिटाइज करने का मशवरा दिया. शहरी और दही इलाकों में फ़र्क किए बगैर रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब बनाने का मशवरा दिया. और इस दौरान असम्बली हलके के इंचार्जेस ने कारगुजार सदर को बताया कि हर असम्बली हलके में 50 से 60 हज़ार अफराद को पार्टी की रुकनियत दी जा रही है. बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मुरलीधर राव ने कहा कि तेलंगाना में 36 लाख अफराद को पार्टी की रुकनियत देने का निशाना मुकर्रर किया गया है. महबूबनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिलवक्त तेलंगाना में बीजेपी के 18 लाख अराकीन हैं. इस तादाद को दुगनी करने का फैसला किया गया है. रियासत भर में बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम कामयाबी के साथ जारी है. उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस का मुकाबला करने की ताकत सिर्फ बीजेपी के अंदर है. टीआरएस के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले और जद्दोजहद करने वाले अफराद बीजेपी की तरफ राग़िब हो रहे हैं. आइंदा इंतखाबात में बीजेपी का इख्तदार यकीनी है. बीजेपी तमाम तबकात और ज़ात पात की पार्टी है. मुरलीधर राव ने कहा कि गरीबों को मकान, हर घर में पानी, बरखी और बैतुलखला की तामीर को यकीनी बनाने के मकसद के तहत नरेंद्र मोदी हुकूमत काम कर रही है. साल 2022 तक हर ख़ानदान को शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जाएगा. आइंदा 5 साल में सड़कों पर 100 लाख करोड़, रेलवे लाइन के लिए 50 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि कौमी सतह पर और तेलंगाना में कांग्रेस ख़त्म हो गई है. तेलंगाना में अपोजिशन की हैसियत से कांग्रेस यकसर नाकाम हो गई है जिसकी वजह से इस पार्टी के कई अरकान टीआरएस में शामिल हो गए हैं. जनरल सेक्रेटरी बीजेपी ने कहा कि टीआरएस हुकूमत डबल बेडरूम के मकानात के नाम पर गरीबों को धोखा दे रही है. अब तक किसी गरीब को डबल बेडरूम का मकान नहीं दिया गया. उन्होंने चंद्रशेखर राव हुकूमत से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि रियासत के किसानों के लिए मरकज की फसल बीमा योजना स्कीम पर क्यों अमल नहीं किया जा रहा है. रियासती वज़ीर कानून इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि बासर IIIT में एक खातून सब इंस्पेक्टर पुलिस को तैनात किया जाएगा. बासर IIIT में एक लेक्चरर रवि की जानिब से बास तालिबात को जिंसी तौर पर हरासा करने का मामला सामने आने के बाद मीडिया से बात करते हुए इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि बासर कॉलेज में इस तरह के वाक़यात का आदा ना होने देने के लिए खसूसी इकदाम के तौर पर एक खातून सब इंस्पेक्टर को तैनात करने का फैसला किया गया है. उन्होंने आज सुबह बासर IIIT का दौरा किया और तालिबात से बातचीत की. इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर कानून ने कहा कि मंगल से कॉलेज में खातून सब इंस्पेक्टर ड्यूटी अंजाम देगी. इस सिलसिले में पुलिस के आला अहदेदारों को हिदायत जारी की गई हैं. उन्होंने तालिबात को मशवरा दिया कि वो हिम्मत और सब्र से काम लें. हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद की जाएगी.
इस मौके पर वजीर मौसूफ ने कॉलेज के आउटगेट पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर बरहमी जाहिर करते हुए इस्तफसार किया कि ओहदेदारों की इजाज़त के बगैर तालिबात को किस तरह बाहर निकलने की इजाज़त दी जा रही है। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी मुनासिब तौर पर अंजाम दे, ड्यूटी की अंजामदही में तसाहली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हैदराबाद शहर में पीने के पानी के मसले को ख़त्म करने के लिए एक रिजर्वायर तामीर करने की ओहदेदारों को हिदायत जारी की गई है। प्रगति भवन में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए मलाना सागर और कुंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर से गोदावरी के पानी को इस रिजर्वायर में मुंतकिल किया जाएगा। मुजवजा रिजर्वायर को वक्तन फ़ौक्तन सैराब किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रिजर्वायर से आवाम को पानी फराहम करने के लिए पाइपलाइन के कामों का एस्टीमेट तैयार करें। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड के इलाके में हर घर को नल का कनेक्शन दिया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने बताया कि इस वक्त गोदावरी और कृष्णा का पानी काफ़ी दूर से हैदराबाद लाया जा रहा है, इसके बावजूद यहाँ की आवाम की ज़रूरियात को पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मल्लाना सागर और कुंडा पोचम्मा सागर रिजर्वायर को पानी लाया जा रहा है। वहाँ से 10% पानी हैदराबाद शहर को पीने के लिए फराहम किया जा रहा है। इसके लिए केशावरम के पास एक रिजर्वायर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तामीर किया जाएगा। इस इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वुज़रा और अरकान मुखन्ना के अलावा हुकूमत के मुशीरे आला राजीव शर्मा, बल्दी नज़्म व नस्क के सेक्रेटरी अरविंद कुमार और बल्दिया कमिश्नर दाना किशोर के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। साबिक़ वज़ीर आला आंजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी को उनकी 70वीं यौम पैदाइश पर कांग्रेस क़ायदीन ने खिराज तहसीन पेश किया। कांग्रेस क़ायदीन ने पंजागुट्टे में वाईएसआर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। बाद अज़ां गांधी भवन में एक तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर, सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस रघुवीरा रेड्डी, राज्यसभा MP KVP रामचंद्र राव और दीगर क़ायदीन ने शिरकत की। आज डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब का 70वां यौम पैदाइश बड़ी धूमधाम से हम लोग मना रहे हैं और आज वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने जो ख्वाब देखा था कि मेरी रियासत के अंदर किसान आगे बढ़े, मजदूर आगे बढ़े, दलित आदिवासी मुसलमान पिछड़े तबका सब लोग आगे बढ़कर ये आंध्र प्रदेश यूनाइटेड आंध्र प्रदेश स्टेट मुल्क में नंबर वन रहे, ये ख्वाब की ताबीर अभी हमारे अफजलुद्दीन साहब बता रहे थे कि सामने जो लड़कियां हैं 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, ये आपके सामने मैं कला मंदू या नाल छाता हूँ मुस्लिम महिला कानी मुस्लिम युव पिल यानी एला अभिवृद्धि चंदनारो मरी मन कंड मुझे मैं चूस्ना तो इसलिए ये वही राजशेखर रेड्डी है जो दिलों पे आज उनके इंतकाल के बावजूद भी मरने के बावजूद भी आज भी दिलों में जिंदा है। इसीलिए हम उनका जो मैसेज है राजशेखर रेड्डी साहब का हम आगे पहुंचाएंगे और वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा है। वो कुछ फिजिकली मर गए हैं लेकिन पॉलिसीज के हिसाब से आज भी राजू आरोग्य श्री, आज हायर एजुकेशन में नए यूनिवर्सिटीज, मुसलमानों को रिजर्वेशन, बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन, इसी तरीके से 108 104 ऐसे कई कारनामे हैं उनके जो हम कितनी देर भी बात करेंगे तो कम है। ऐसे वक्त पर हम सब डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब के को उनके पॉलिसीज को अमल में लाकर उनको आखिर खिराज अकीदत हम पेश करना है तो यही है कि उनके पॉलिसीज उनका जो सेकुलरिज्म था मजबूत सेकुलरिज्म था उसको हम कायम करते हुए एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं नीनो ఈ 4-5% రిజర్వేషన్ చేపిన తర్వాత మన భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక యువకుడు ఇప్పుడు చాలా పెద్ద మంత్రిగా ఉన్నాడు అని మేము ప్రొటెస్ట్ చేస్తాం, మేము దీనికి వ్యతిరేకిస్తున్నాం, మేము అంటే ఆ మీటింగ్లోనే ఆల్ పార్టీ మీటింగ్లోనే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి అన్నారు నీకు దమ్మున్నంత సేఫ్ చేసుకోవా, ఈ రోడ్లన్నీ ఖుల్లా ఉన్నాయి, ఎంత దమ్ముంది అంత ప్రొటెస్ట్ చేయి, నేను 5% ఇస్తానా నేను ఇచ్చి తీరుస్తాను, ఇట్ ఈస్ మై కమిట్మెంట్ అని అంత ధైర్యంగా సెక్యులరిజంకు నమ్మేవాళ్ళు. మరి అలాంటి వ్యక్తులు మన మధ్య లేవడం వలన మన రాష్ట్రానికి తెలంగాణ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రాలకు చాలా నష్టం జరిగిన విషయం వాస్తవం. ఆయన ఉనికి జో సిద్ధాంత్ హే ఉస్కో హమ్ ఆగే లేకే చలింగే ఫిర్ ఏక్ దఫా ఉనికే తమామ్ ఖాన్దాన్ కు ఆర్ సబ్ ఫ్రెండ్స్ కు హమే గర్వ్ హే ఫఖర్ హే ఉనికి క్యాబినెట్ మే మినిస్టర్ కా కామ్ కరే
उनके साथ हमको मिलकर काम करने का मौका मिला। इन अल्फाज के साथ मैं रुख्सत हो रहा हूँ। खुदा हाफिज़। जय हिंद। इस मौके पर बात करते हुए तेलंगाना कांग्रेस के ट्रेजरर गुडूर नारायण रेड्डी ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वह हैदराबाद में वाईएसआर मेमोरियल कायम करें। आज हमारे हरदिलाज़ खायद डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी का जो है आठवां जन्मदिन है, इस मौके पर हम बात करते हैं। जनाब गुड्डू नारायण रेड्डी साहब जो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के खास दिन है, गुड्डू नारायण रेड्डी साहब ये बताइए कि राजशेखर रेड्डी साहब की खिदमत रियासत के लिए कैसी रही? राजशेखर रेड्डी साहब जब हमारे मुख्यमंत्री थे यूनाइटेड आंध्र प्रदेश के, हर एक गरीब के बारे में उनकी सोच विचार थी। माइनॉरिटीज़ के बारे में 4% रिजर्वेशन कायम किया, जिसके वजह से जो पहले जो भी माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे थे, हम ये बंडी पे खेले बेचते थे या नहीं तो रिक्शा चलाने वाले, सोच को हटा के नहीं हम भी इंजीनियर पढ़ना है, हम भी फार्मासिस्ट बनना है, हम भी डॉक्टर पढ़ना है, हम भी सब इंस्पेक्टर बनना है, बल्कि उनके सोच को बदल के उनमें बदलाव ला के उनको पढ़ाई के तरफ लेके गया। वैसा ही जो गरीब आदमी अस्पताल जाके अपना इलाज कराने का था, हज़ारों रुपए लाखों रुपए खर्च करने का, जायदाद बेच के भी या बीवी बच्चों का जेवर भी गिरवी लगा के वो लोग उस ज़माने में हॉस्पिटल में उन लोगों का ट्रीटमेंट लेते थे, उसको भी राजशेखर रेड्डी साहब सोच के राजीव आरोग्यश्री लेके आए, जिसके वजह से हर एक गरीब आदमी भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज कराने का मौका दिया गया था राजशेखर रेड्डी साहब गरीबों को। वैसा ही किसानों के बारे में सोच के किसानों को फ्री करंट 24 घंटे फ्री करंट देने का भी उस ज़माने में पूरा देश में पहला मुख्यमंत्री थे राजशेखर रेड्डी। तो उनका आज 70वां जन्मदिन मनाने में बहुत खुशी है, क्योंकि वैसे महान नेता जो आदमी तेलुगु में बोलते थे माट तप्पड़ मड़म तिप्पड़, मतलब कभी बात पलटते बात को पलटाते नहीं या नहीं तो कदम को पीछे नहीं लगाते हैं, वैसा आदमी शायद ही बहुत कम लोग मिलेंगे। उन बड़ा महान नेता का जन्मदिन मनाना आज बहुत खुशी की मौका समझते हैं। नारायण रेड्डी साहब ये बोलिए कि तेलंगाना में इरिगेशन के लिए राजशेखर रेड्डी साहब ने क्या खिदमत अंजाम, इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए? तेलंगाना में इरिगेशन के लिए जो बुनियाद उन्होंने लगाए थे जलयज्ञम के नाम पे, आज केसीआर आके उसको खराब करके और खर्चा बढ़ा के पुराना ही था चेवेल्ला को निकाल के उन्होंने कालेश्वरम प्रोग्राम बना के अपने कमिश्नरों के वजह से उन्होंने उसको और कहीं से दूसरा जगह पे प्रोजेक्ट लगा के लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम लगा के और ज़्यादा बर्डन तेलंगाना पे लगाया। जो राजशेखर रेड्डी साहब का जो सोच था, जिसके वजह से आज हज़ारों एकड़ों में आज इरिगेशन हो रहा है, सही भी उनको तो सैल्यूट करना है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों में तेलंगाना में बाज़ मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे ने कहा कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून कमज़ोर हो रहा है। तेलंगाना में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 37.4 डिग्री सेल्सियस ज़िले नलगुंडा में दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत मेदक ज़िले में दर्ज किया गया। हैदराबाद में आज़म तरीन दर्ज हरारत और अखल तरीन दर्ज हरारत 24.3 डिग्री सेल्सियस और 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कर्नाटक में सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस और जेडीएस के सभी वुजरा ने पीर के रोज़ कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट आर शंकर ने भी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। जल्द ही नई कैबिनेट तश्कील दी जाएगी। वजीर आला कुमारास्वामी ने कहा कि ये मामला सुलझ गया है, उनकी हुकूमत को फिलहाल कोई ख़तरा नहीं है। इससे पहले इंडिपेंडेंट एमएलए एच नागेश ने भी वजारत से इस्तीफा देते हुए ताईद वापस ले ली थी। उन्होंने गवर्नर को लिखे लेटर में कहा कि अगर बीजेपी हुकूमत बनाती है तो वो उसका साथ देंगे। दूसरी तरफ मिनिस्टर जमीर अहमद ने कहा कि जितने भी एमएलए बीजेपी कैंप में गए हैं उनमें से 6-7 वापस लौट आएंगे। कांग्रेस और जेडीएस के 13 एमएलए ने असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। अब वजीर आला एचडी कुमारास्वामी के अलावा सीएलपी लीडर सिद्धारामैया के सामने हुकूमत बचाने का चैलेंज है। रियासत में हुकूमत बनाने और बचाने के लिए बीजेपी और जेडीएस में
اجلاسوں کا دور جاری ہو گیا ہے۔ پیر کے روز ڈپٹی سی ایم جی پرمیشورا نے اپنے مکان پر کانگریس کے ایم ایل ایز اور وزراء کو ناشتے پر بلایا۔ اس دوران سابق چیف منسٹر سدھا رامیہ، وزیر ڈی کے شیو کمار، یو ٹی کھادر شیو شنکر ریڈی، وینکٹ رمنپا، جے مالا، ایم بی پاٹل، کے بی گوڑا، راج شیکھر پاٹل موجود رہے۔ 13 مہینے پرانی اتحادی حکومت کو لے کر ہوٹل تاج ویسٹ اینڈ میں اتوار کی شام کو بھی اجلاس منعقد ہوا تھا۔ اس میں ایچ ڈی دیو گوڑا، کمار سوامی اور جی پرمیشور کے علاوہ کانگریس قائدین بھی موجود تھے۔ اس اجلاس میں پہلے کمار سوامی کے وزیر جی ٹی دیو گوڑا نے کہا تھا کہ اگر کوارڈینیشن کمیٹی سدھا رامیہ کو سی ایم بناتی ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ اتحادی حکومت کے لیے کمار سوامی استعفیٰ دے سکتے ہیں اور کانگریس قائد ملیک ارجن کھرگے نئے وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ ہم آپ کو ایک بار یہ بتا دیں کہ کرناٹکا اسمبلی میں جو نمبرز ہیں ان نمبرز کی وجہ سے یہ کافی اٹھا پٹک، سیاسی اٹھا پٹک چل رہی ہے۔ کرناٹکا میں سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، اس کے 105 ایم ایل ایز ہیں، کانگریس کے 78 ایم ایل ایز ہیں، جے ڈی ایس کے 37 ہیں، جبکہ بہوجن سماج پارٹی 1، کے پی جے پی 1 اور انڈیپینڈنٹ 1۔ اگر ہم یہ پورے نمبرز ملا لیں تو کانگریس اور جے ڈی ایس کے الائنس، دونوں نے الائنس کر لیا ہے اس، اور یہ الائنس کے بیسس پہ انہوں نے حکومت بنائی ہے۔ اب اتوار کو کانگریس جے ڈی ایس کے 13 ایم ایل ایز نے اسپیکر کو استعفیٰ دے دیا تھا اور اسپیکر نے کہا تھا کہ ان استعفوں پر منگل کے روز فیصلہ لیا جائے گا۔ اگر ان 13 ایم ایل ایز کے استعفے منظور ہوتے ہیں تو ایم ایل ایز میں جملہ 212 ایم ایل ایز رہ جائیں گے، اسپیکر کو چھوڑ کر یہ نمبر 210 رہ جائے گا۔ ایسے میں سمپل میجورٹی کے لیے 106 ایم ایل ایز کی ضرورت ہوگی۔ ایسے میں کمار سوامی حکومت مائنورٹی میں آ سکتی ہے، یعنی یہ بھی اگر یہ اس صفحے منظور ہوتے ہیں تو یہ بھی توقع ہے کہ بی جے پی حکومت وہاں پہ، کانگریس جے ڈی ایس حکومت گر جائے گی اور بی جے پی کی حکومت کرناٹکا میں بن سکتی ہے۔ کانگریس جے ڈی ایس کے 13 ایم ایل ایز کے اس صفحے کے بعد کرناٹک میں جاری سیاسی بحران کو لے کر پیر کے روز لوک سبھا میں کافی بحث ہوئی۔ ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ کرناٹک کے موجودہ سیاسی حالات کے پیچھے بی جے پی اور مرکزی سرکار کا کوئی رول نہیں ہے، بی جے پی نے کسی بھی ایم ایل اے اور ایم پی پر پارٹی بدلنے کو لے کر کوئی دباؤ نہیں ڈالا ہے۔ اس سے پہلے کانگریس فلور لیڈر ادھیر رنجن نے کہا کہ بی جے پی نے 300 سیٹیں جیتی ہیں لیکن ابھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ اگر میرا گھر محفوظ نہیں ہے اور وہاں 10 سونے اور 10 چاندی کے سکے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے چرانے کے ارادے سے آئیں اور لوٹ کر بھاگ جائیں۔ راجناتھ سنگھ نے جواب میں کہا کہ یہ کانگریس کا اندرونی معاملہ ہے۔ کرناٹک میں اس سمے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ہماری پارٹی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور آج تک کا ہماری پارٹی کا اتہاس رہا ہے کسی دوسرے راجنیتک پارٹی کے سنسد سدسیہ اتوا ودھایک کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر کے اتوا اس کو کسی پرکار کا پروبھن دے کر دل بدل کرانے کی کوشش ہم لوگوں نے نہیں کی ہے۔ کیوں اسے میں ایک چیز اور اس لیے نہیں کی ہے ادھیکش مہوڑے، سنسدیہ لوک تنتر کی گریما، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی گریما کو بنائے رکھنے کے پرتی ہم لوگ پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، لیکن جو بھی پرشن یہاں پر ہمارے نیتا کانگریس لوک سبھا دل اور ہمارے ٹی ایم سی کے نیتاؤں کے دوارا جو اٹھایا گیا تھا، ہمارے ڈی ایم کے بالو صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیاگ پتر دلانے کا سلسلہ ہم لوگوں نے پرارمبھ نہیں کیا، کانگریس میں تو راہل گاندھی جی نہیں یہ سلسلہ تیاگ پتر دینے کا پرارمبھ کر دیا ہے، اور انہوں نے سوئم بھی اپنے لوگوں کو کہا ہے تیاگ پتر دینے کے لیے، اور آپ نے دیکھا ایک سے ایک دگج نیتا سارے وقت لگاتار تیاگ پتر دینے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ تیاگ پتر دینے کا سلسلہ تو لگاتار یہ چل رہا ہے۔ ورلڈ کپ میں منگل کے روز سیمی فائنل میں انڈیا کا مقابلہ نیوزی لینڈ سے ہوگا۔ یہ میچ مینچسٹر کے اولڈ ٹرائیفرڈ گراؤنڈز پر کھیلا جائے گا۔ دونوں ہی ٹیمیں کافی مضبوط ہیں، لیکن اس ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا نے بہترین مظاہرہ کیا ہے۔ جہاں نیوزی لینڈ نے 5 میچوں میں جیت درج کی تھی تو انڈیا نے 7 میچوں میں جیت کے ساتھ پوائنٹ ٹیبل کے ٹاپ پر رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر فائنل میں کون پہنچے گا؟ آئیے جانتے ہیں کہ آنکڑے کیا کہتے ہیں۔ ابھی تک ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کا پلڑا ٹیم انڈیا پر بھاری رہا۔ دونوں ہی ٹیمیں اب تک 8 بار آمنے سامنے ہوئی ہیں، جس میں سے 4 بار نیوزی لینڈ نے جیت درج کی ہے، 3 بار ٹیم انڈیا نے جیت حاصل کی، وہیں ایک میچ بارش کے چلتے رد ہو چکا۔
इस वर्ल्ड कप में जहां मैच बारिश के चलते रद्द हो गया, तो वार्म अप मैच में न्यूजीलैंड ने हिंदुस्तान को जोरदार पटखनी दी थी। उस मैच में रविंद्र जडेजा को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज अच्छा मुजाहिरा नहीं कर पाया था। वहीं अगर हम वनडे मैचों की बात करें तो टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा। वनडे क्रिकेट में दोनों टीमें 101 बार आमने सामने आई, इनमें से 55 बार हिंदुस्तानी टीम तो 45 बार न्यूजीलैंड ने जीत दर्ज की है। एक मैच टाई हुआ है और 5 मैचों का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। फाइनल में पहुंचने के 2 रास्ते हैं। अगर बारिश की वजह से सेमीफाइनल मैच रद्द होता है तो इंडिया सीधे फाइनल में पहुंच जाएगी। अगर वहीं हालिया मुजाहरा देखें तो हिंदुस्तान के पहुंचने की तवक्को ज़्यादा है। न्यूजीलैंड सेमीफाइनल से पहले अपने 3 मैच लगातार हार चुकी है। वहीं उससे पहले के 2 मैचेस में बड़ी मुश्किल से उसने जीत दर्ज की थी, जबकि टीम इंडिया पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 1 मैच हारी है और वो इंग्लैंड के खिलाफ हुआ था। अब अगर हाल का मुजाहरा देखें तो इंडिया फाइनल में पहुंचता नजर आ रहा है। क्या होगा अगर कल बारिश हो जाए? जिस तरह बारिश की वजह से इंडिया न्यूजीलैंड के बीच लीग मैच रद्द हो गया था, उसी तरह सेमीफाइनल भी रद्द हो सकता है। मौसम एजेंसी के मुताबिक मंगल के रोज मैनचेस्टर में बारिश के 60% चांसेस हैं। इस दिन बारिश की वजह से मैच नहीं होता है तो दोनों टीमें 10 जुलाई को मैच खेलेंगी। लेकिन अगर 10 जुलाई को भी यहाँ बारिश होने के 65% चांसेस हैं। अगर बारिश की वजह से दोनों मैच नहीं होते हैं और बिना टॉस किए ही रद्द हो जाते हैं तो ज़्यादा पॉइंट्स होने की वजह से टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा। नाज़रीन, आज के INN प्राइम टाइम में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।